10,000 दिया हमसे, 10,000 भिंड में वन विभाग की महिला रेंजर ने बबूल की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली क्या पकड़ी। आरा मिल संचालक ने महिला रेंजर के साथ न केवल जमकर बदसलूकी की बल्कि महिला रेंजर पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगा दिया। प्रदीप ओझा, इनने हमसे 10,000 रुपए लिए ज्योति के माध्यम से और दुर्गा के माध्यम से। आरा मिल संचालक ने महिला रेंजर से कहा कि अपने भाई की कसम खाओ कि आपने पैसे नहीं लिए। महिला रेंजर और आरा मिल संचालक के बीच जमकर बहसबाजी हो गयी और बीच सड़क पर एक घंटे से ज्यादा समय तक ये ड्रामा चलता रहा। दरअसल पूरा मामला भिंड के मंगतपुरा इलाके का है, जहां सोमवार की रात को वन विभाग की महिला रेंजर सपना बिसारिया ने बबूल की लकड़ी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ते ही बीटीआई रोड पर आरा मिल चलाने वाले प्रदीप ओझा ने मौके पर हंगामा करना शुरू कर दिया। प्रदीप ओझा ने महिला रेंजर पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए महिला रेंजर के साथ जमकर बदसलूकी। अरे परसों भी हमसे 10,000 रुपए लिए, आज फिर इनने हमसे बोल के फिर इनने 500 रुपए लिए, फिर ट्रैक्टर पकड़ लिया। प्रदीप ओझा ने महिला रेंजर से कहा कि अपने भैया की सौगंध दिखाओ कि तुमने पैसे नहीं लिए। प्रदीप ओझा लगातार महिला रेंजर पर आरोप लगाते हुए चीखता चिल्लाता रहा और महिला रेंजर प्रदीप ओझा के आरोपों को सिरे से खारिज करती रही। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। आरा मिल संचालक ने आरोप लगाया कि दो दिन पहले भी रेंजर सपना बिसारिया ने उनकी एक गाड़ी पकड़ ली थी और 10,000 रुपए रिश्वत लेकर छोड़ी थी और आज फिर उनकी गाड़ी पकड़ ली गई है। प्रदीप ओझा ने कहा कि ये पैसे भी लेती है और गाड़ी भी पकड़ लेती है। 10,000 हंगामे के दौरान प्रदीप ओझा के साथ मौजूद व्यक्ति ने अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकाल कर भी बताया कि उन्होंने गाड़ी छोड़ने के बदले पैसों की मांग की थी और वही पैसे लेकर हम आए हैं। ये रुपये दरे जिनने मांगाए तब हम लेकर आए, जिनने मांगे तब हम लेकर आए रुपया। हालांकि इस मामले में रेंजर सपना बिसारिया ने बताया कि इन लोगों ने पैसे देने की पेशकश की थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कार्रवाई करने लगी। इसी बात से आक्रोशित होकर ये लोग रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हैं। गाड़ी पकड़ी गई, कोई कागज नहीं है, अब केस बना रहे हैं हम, तो ये बोल रहे थे पहले कि पैसे ले लो हम गाड़ी छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, केस तो बनेगा, इसलिए वो तमाशा कर रहे हैं ताकि इनका केस नहीं बने। अभी आरोप भी लगाए हैं 10,000 रुपए लेने का और 500 रुपए के। अगर देखिए केस क्यों बनाती, गाड़ी क्यों रोकती, तो आपको धमकी भी दे रहे थे, क्या धमकी दे रहे थे? कार्रवाई करवा रही हैं इन लोगों के खिलाफ। बिल्कुल करूंगी मैं कार्रवाई। क्या पता, गाड़ी पकड़ी जाती है केस बनाऊंगी मैं, तो अपनी ड्यूटी कर रही है ना, और ड्यूटी करने वाले को आप इस तरह से धमकाएंगे? रेंजर सपना बिसारिया ने बताया कि वो इन पर कार्रवाई जरूर करेंगी और उनके साथ जो बदसलूकी हुई है उसकी भी शिकायत करेंगी। हंगामे की सूचना मिलने पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरा मिल संचालक समेत बबूल की लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने ले जाया गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।